गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड सेल्फ प्रैक्टिस 5A एंड टुडे वी विल डू सेल्फ प्रैक्टिस 5B। ओके, सेल्फ प्रैक्टिस 5B का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काउंट बाय 4S, मतलब 4S अप टू 40। 4 को हमें 40 तक काउंट करना है, इट मीन्स 4 की हमें टेबल राइट डाउन करनी है 40 तक। वैसे ही अगले वाले में 6 की टेबल हमें राइट डाउन करनी है 60 तक। इस एक्सरसाइज को करने के लिए बच्चों आपको एटलीस्ट 10 तक टेबल जो है आनी चाहिए। ओके, मैं 6 को 60 तक लिख देता हूँ। 6, 12, 24, 36, 48, 54, 60। ओके, तो इसमें मैंने क्या करा बच्चों, सिंपली मैंने 6 की टेबल को 60 तक राइट डाउन करी है। वैसे ही हमें नेक्स्ट वाले में 7 की टेबल को 56 तक राइट डाउन करना है एंड नेक्स्ट वाले में 8 की टेबल को 40 तक राइट डाउन करना है। 40 के बाद हमें राइट डाउन नहीं करना है। वैसे ही नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 10 की टेबल को 80 तक हमें राइट डाउन करना है। ओके, दिस इज सेल्फ प्रैक्टिस 5B। तो 5B में हमारे 5 क्वेश्चंस थे, उनको हमने कर लिए। जो टेबल है बच्चों, टेबल पेज नंबर 70 पर, व्हेन यू विल सी ऑन द पेज नंबर 70, तो देन यू विल सी देयर इज टेबल फ्रॉम टेबल 2 to 10। बच्चों आपको टेबल जो है लर्न भी होनी चाहिए। ओके, आप उसको आज का जो आपका होमवर्क में ये भी पहला काम है कि जो आपको टेबल है 2 से 10 तक लर्न करनी है और अपने फैमिली मेम्बर को उसे सुनाना है। ओके, नाउ वी विल डू सेल्फ प्रैक्टिस 5C। 5C में बच्चों हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो है 4। ओके, तो हम सभी क्वेश्चंस के कुछ कुछ पार्ट्स आज करेंगे एंड देन आफ्टर रिमेनिंग पार्ट्स मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। जैसे कि 5C का फर्स्ट क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व है, 2 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ना है। 2 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ना है, जो आंसर आएगा उसको राइट डाउन कर देना है। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। वैसे ही या तो 5 की टेबल को 9 टाइम्स रीड करो या फिर 9 की टेबल को 5 टाइम्स रीड करो। ओके, 5 9 जा होता है 45 एंड 6 5 जा 30, 9 8 जा हमारा होता है 72, 7 7 जा 49, 6 9 जा 54। ओके, तो ऐसे ही व्हेन यू विल सी कि इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देर आर लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने कुछ पार्ट्स उसको सॉल्व करके दिखा दिए, उसका जी है और जी से टी तक पार्ट है, तो इन सभी पार्ट को आपको अपने अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। ओके, इनके लिए बच्चों जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इनके लिए आपको क्वेश्चंस जो है वो लर्न, क्वेश्चंस कह रहा हूँ, टेबल आपको लर्न होने चाहिए। ओके, राइट द करेक्ट नंबर इन बॉक्स, जो हमारे पास सर्कल है उसमें करेक्ट नंबर फिल करना है। जैसे 7 × 6 = 42 हो गया, अब यहाँ पर हम 8 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 आए। ओके, तो हमें बताना है कि हम 8 की कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 48 आए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 8 की टेबल को रीड करेंगे। ओके, पेज नंबर 70 पर जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ पर टेबल है, तो जब मैं वहाँ से देखता हूँ तो 48 आता है 6 टाइम पर, तो 6 हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। वैसे ही 5 की किससे मल्टीप्लाई करेगी 59, 3 से। ओके, 5 3 जा 15, 6 की किससे मल्टीप्लाई करेगी 0 है, तो 0 से। ओके, 5 की किससे मल्टीप्लाई करेगी 40 है, 8 से। ओके, 8 की किससे मल्टीप्लाई करेगी 24 आए, 3 से। 10 की किससे मल्टीप्लाई करेगी 10 आए, 1 से। 6 की किससे मल्टीप्लाई करेगी 54 आए, 9 से। 3 की हम कर देंगे 6 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द 10 मल्टीपल्स ऑफ, इनके हमें 10 मल्टीपल्स लिखने हैं। ओके, 4 बिटवीन 10 एंड, ओके, 4 बिटवीन 10 और 50, 10 और 50 के, और हमें 4 4 के, 4 4 के 10 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो पहला हमारा आ जाएगा 14, फिर 18, 18 के बाद इसमें हम 4 ऐड करेंगे 22, 4 हमें ऐड करते जाना है, 22 में 4 ऐड करेंगे 26, 26 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा
30, देन आफ्टर 34, 38, ओके, देन 42, 50 तक करना है, 42 के बाद आ जाएगा 46 एंड 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके, हमारे जितने भी मल्टीपल्स थे वो हमने लिख दिए। ऐसे ही 7 वाले में भी आपको करना है, 15 के बाद उसमें हमें 7 ऐड करके और फिर जो नंबर आएगा उसमें 7 ऐड करके ऐसे हमें इनके मल्टीपल्स राइट डाउन कर देने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, 5 केक 3 चेरीज ऑन ईच केक, हाउ मैनी चेरीज, हमारे पास 5 केक है और एक केक पे 3 चेरीज यूज हुई है तो हमें बताना है कि टोटल चेरीज कितनी होंगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 5 3 15 चेरीज। ओके, इस वाले बॉक्स में भी हमारे पास 6 बॉक्सेस है और एक बॉक्स में 8 पेंसिल्स है तो हमें बताना है कि हमारी टोटल पेंसिल्स जो हैं वो कितनी होंगी। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, 6 की टेबल को 8 टाइम्स पढ़ेंगे। ओके, 6 की टेबल को 8 टाइम्स तुम्हारा हो जाएगा 48। ऐसे ही 9 बाइक्स है और एक बाइक पर 2 पर्संस बैठ सकते हैं तो 9 मल्टीप्लाई 2 तो हमारा हो जाएगा बच्चों 9 2 18। एंड 4 बास्केट्स हैं और 4 ही पेयर्स हैं तो 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16 पेयर्स। ओके, एंड नाउ देयर आर 2 मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट, दैट इज ऑन पेज नंबर 74। 6 प्लेट्स हैं एंड 1 प्लेट में 4 समोसाज है तो 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 24। 8 कार्स है एंड 4 पर्सन है तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, 8 4 जा 32। ओके, तो दिस इज सेल्फ प्रैक्टिस 5C। ओके, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू सेल्फ प्रैक्टिस 5D। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास।